नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा नाम है आशा भारद्वाज और स्वागत करता हूँ आपको भारद्वाज क्लासेस में। तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो क्लास टेंथ के बेसिस पर हम शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस है तो सबसे पहले जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन ऐसे हम लिख दिए हैं, हम समझा भी देते हैं। द बेसिक फंडामेंटल परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि बेसिक फंक्शन जो कि हर व्यक्ति करता है या हर लिविंग बॉडी करता है टू परफॉर्म टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जिंदगी में करने वाला कार्य हर आदमी का लाइफ प्रोसेस होता है। सो उसका एक पार्ट्स होता है कुछ कुछ। तो पहला पार्ट्स है न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद होता है रिस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, और उसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये सब कुछ उसका फंडामेंटल पार्ट्स है लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए। हमको ये सब लॉ, रूल, रेगुलेशन को मेंटेन करना पड़ता है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन सीधा बात है, हम फूड से न्यूट्रिशन को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरह हमको जो बाकी सारा चैप्टर, मतलब कि टॉपिक है, उसको हमको पढ़ना है डिटेल में। तो चैप्टर 7 से जो है मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो दूसरा चैप्टर में आता है। ये चारों को डील करना है हमको इसी चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सब के बारे में पार्टिकुलरली डिटेल से समझेंगे। उसके बाद मेरा 8 चैप्टर आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस के लिए, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम लोग को बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस का एक मेन मोटो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग और एम्फीबियन। मतलब कि मल्टीसेलुलर के बारे में हमको ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमको आगे के क्लास में, हायर क्लास में पढ़ना है अगर हम बायो लेते हैं तो। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसके बिहेवियर होते हैं, इस सब के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जो कि शुरू कर सकते हैं हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन से। और बाकी बचे ये जो दो हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा अगला चैप्टर में रहेगा। सबसे पहले इन चारों को डिटेल हम न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। तो जानते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन से पहले जानते हैं लाइफ प्रोसेस में क्या क्या काम है। लाइफ प्रोसेस का सीधा डेफिनेशन है इनर्जी नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। अब इनर्जी कैसा टाइप का इनर्जी, तो वो इनर्जी का टाइप में ही आ जाएगा आपका फूड, जो कि काम करता है फ्यूल की तरह, विच प्रोवाइड इनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है, सीधा डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में यही होगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। यानी कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमको खाना खाने के बाद प्राप्त होता है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दैट्स ऑल। चलिए न्यूट्रिशन का डेफिनेशन जानते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर, रफेज एक्सेट्रा। इसका प्रॉपर डेफिनेशन जानते हैं। तो न्यूट्रिएंट का प्रॉपर डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सबस्टेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक टिश्यू एंड ऑर्गन। न्यूट्रिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन is a unit of nutrient, okay? Nutrition is a process of intake of nutrient by an organism as well as the utilization of its nutrients by the organism. यानि कि nutrition का सीधा मतलब होता है process, एक ऐसा process जिसमें कि nutrients को हम intake करते हैं, उसको utilize करते हैं किसी भी ऑर्गन के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अगर न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब किया जाता है तो
वो एक न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करते हैं. न्यूट्रिएंट्स इज अ यूनिट इन विच कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन मिनरल एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. तो न्यूट्रिशन का मतलब हम यही समझते हैं, सीधा मतलब में कहा जाए तो न्यूट्रिशन हो गया जो कि खाना खाने से हमें प्राप्त होता है, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं जो कि न्यूट्रिएंट का एक यूनिट है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का कुछ भाग, जैसे कि एक होता है ऑटोट्रॉप, दूसरा होता है हेटरोट्रॉप. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स इसका फुल नेम. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स वो होता है जिसमें कि दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से बनाता है, किसके हेल्प से, तो CO2 एंड वाटर. इसका एग्जाम्पल जानते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ऑल ग्रीन प्लांट, यानी कि जितने भी हरा भरा पौधा है सब अपना खाना खुद से बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर रखते हैं. और दूसरा आता है साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, फर्दर क्लास में पढ़ना है. इसको सिंपली समझते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, एक तरह का एल्गे जो अपना खाना खुद से बनाता है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. उसके बाद हम जानते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा भाग है. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स वैसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाता है. दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका नॉन ग्रीन प्लांट. अब जो हरा नहीं है पौधा वो सब हेटरोट्रॉपिक ग्रुप में आता है. इसमें भी पार्ट हो गए जैसे कि ईस्ट, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है एनिमल में, जो कि एनिमल भी हेटरोट्रॉपिक में आता है, वो अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, तो इसीलिए हेटरोट्रॉपिक्स में एनिमल में आता है ह्यूमन. हेटरोट्रॉपिक का तीन भाग, हेटरोट्रॉपिक इज डिफाइंड इन अ थ्री वे. सबसे पहला आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स, दूसरा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. सबसे पहले जानते हैं तीनों को डिटेल में. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन प्राप्त करता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से. इसका एग्जाम्पल है फंगी और बैक्टीरिया जो कि सैप्रोफाइट्स है. सैप्रोफाइट्स हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. उसका पार्ट हो गया जैसे फंगी का पार्ट हो गया मशरूम और यीस्ट, जो कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का यूज करता है. अब आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में. पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दूसरा भाग है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन. इसका एग्जाम्पल है राउंड वर्म और प्लास्मोडियम. इसको अच्छा से समझते हैं कुछ ऐसे कि पैरासिटिक जो होता है वो राउंड वर्म होता है. राउंड वर्म यानी कि वो होता है कृमि जो कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है. तो हमारा शरीर जो है वो उसके बॉडी के लिए होस्ट रहता है. होस्ट यानी कि वैसा जगह जहाँ पे वो अपना खाना, जहाँ से वो खाना फीड करता है, जिस हम लोग के ऊपर रहता है कौन, तो राउंड वर्म हमारे अंदर रहता है जो कि पैरासाइट होता है नेचर का, और हमारे ही खून का वो शक करके अपना जीवन चलाता है. तीसरा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम बॉडी के अंदर प्रोसेस करते हैं इगेशन के थ्रू, और जो फूड डाइजेस्ट होता है फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन के द्वारा. तो इसका तो एग्जाम्पल में बहुत कुछ आता है, जैसे कि ह्यूमन, कैट, कैटल, फ्रॉग, डॉग एक्सेट्रा. यानी कि ये तीनों हो गया न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भाग, जिसमें कि ह्यूमन आता है होलोजोइक में, पैरासिटिक में आता है राउंड वॉर्म, और सैप्रोफेटिक में आता है बैक्टीरिया और फंजाई. न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन में प्लांट न्यूट्रिशन अलग होगा और एनिमल का यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा. प्लांट जो यूटिलाइज करता है न्यूट्रिशन को वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है. फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं क्या, पर फिर भी उसका डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हरी पत्ती वाले पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं. इसका कोई केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमको अच्छा से जानना है. ये होता है CO2 plus 6 molecule of water in the presence of sunlight and chlorophyll gives us
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हियर ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। ग्लूकोज इज द पावर विच ऑब्टेन, और द वी कैन से ग्लूकोज इज अ केमिकल प्रोसेस विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट एनर्जी। दिस इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट विच इज यूज एज फूड, एंड स्टार्च इज अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इन विच द स्टोर न्यूट्रिशन आर स्टोर्ड इन द प्लांट लीव। एंड स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय गिविंग ब्लू ब्लैक कलर इफ वी एड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। Green plant convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrate. Carbohydrate बनाता है green plant, वो sunlight को chemical energy में convert करके carbohydrate बनाता है जो कि glucose है. Nutrition in animal. अब nutrition in plant तो हम पढ़ लिए, अब animal पढ़ते हैं. तो सबसे पहले जानेंगे insectivorous plant. ये एक exception है. एक एक्सेप्शन ये है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट है जिसका न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका एनिमल वाला है, यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसका। तो ये क्या करता है ना, जब कोई छोटा इंसेक्ट या फिर कुछ आता है तो उसको वो ट्रैप कर लेता है। इसका एग्जाम्पल आगे जैसे कि वेनिस ट्रैप और पीचर प्लांट। ये जब कोई एनिमल या फिर कोई फ्लाई सब आता है तो उसको ट्रैप करके उसी को ईट करता है। ये एक एक्सेप्शन केस है जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताता है, जबकि ये प्लांट है। अब जानते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोग को बेसिकली दो को मेन डिस्कस से पढ़ना है, जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में दिया हुआ है। वो है अमीबा जो कि एक यूनिसेल्युलर है, और ह्यूमन जो कि एक मल्टीसेल्युलर है। हम जानते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में तीन भाग। पहला भाग होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वैसा होता है जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, इसमें आता है गोट और काव। फिर आता है कार्निवोरस जो कि फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आता है, इसमें होता है लायन और टाइगर। फिर आता है ओमनीवोरस जो कि बोथ प्लांट और फ्लेश खाता है, जैसे कि ह्यूमन, डॉग, कैट एक्सेट्रा। ये था न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब जानते हैं अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर है, उसके बारे में डिटेल से। तो जानते हैं अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये हो गया हमारा अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ये उसका हो गया न्यूक्लियस, और ये सारा हो गया उसका ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन। आज जानते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ये बात हम जानते हैं। जैसे कि ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये हो गया उसका साइटोप्लाज्म, और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो फूड को कैसे कैप्चर करता है, क्योंकि ये एक हेटरोट्रॉपिक है इसीलिए फूड को कैप्चर करेगा। तो फूड कैप्चर का इसका प्रोसेस है, जैसे कि ये हमारा एक अमीबा हो गया और उसका फूड अभी उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना सूडोपोडिया का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसका कोई सेफ साइड नहीं होता इसीलिए वो अपना जहाँ फूड है उस जगह स्थान पर वो अपने सूडोपोडिया की मदद से जाता है, उस फूड को कवर करता है अपने फूड वैक्यूल में, और फूड वैक्यूल में उसको डाइजेस्ट करता है, और कंप्लीटली डाइजेस्ट के बाद वो अपना एनर्जी को बढ़ाता है। यानी कि उसका फूड चेन कुछ ऐसा रहेगा कि फूड को पकड़ा, अंदर लिया, डाइजेस्ट किया और हो गया। यही है अमीबा का न्यूट्रिशन का टॉपिक। अब इसके बाद हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। चलिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को जानते हैं अच्छा से। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का कुछ हम डायग्राम बनाए हैं, उतना अच्छा से तो नहीं है पर समझ लेना चाहिए। तो फूड क्या होता है, फूड हम लोग का माउथ से इंट्री करता है, ईसोफेगस जाता है, ईसोफेगस के बाद गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियास, स्टोमक, होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब सबका अलग अलग वर्क है। टंग हमें सलाइवा प्रोवाइड करता है। अब सलाइवा क्या होता है, सलाइवा एक अमाइलेज है जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, जो कि हम जो ये बताए ये पूरा पार्ट उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जो कि माउथ से एनस को होता है। सलाइवा जो है एक एंजाइम है, वो एंजाइम अमाइलेज एंजाइम है जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का सिंपली मतलब समझते हैं कि वो किसी भी चीज प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है या फिर फास्ट कर देता है। यहाँ जो एंजाइम है वो सलाइवा है। सलाइवा एक कैटलिस्ट एंजाइम है जो कि हमारे
ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सुगर में। स्टार्च वही हुआ जो हम इसमें पढ़े थे, प्रोटीन। अब देखते हैं, तो जो स्टार्च होता है वो सुगर को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर करता है। सलाइवरी ग्लैंड में जो अमाइलेज रहता है एंजाइम, वो सीधा समझिए वो कॉम्प्लेक्स जो रहता है स्टार्च, उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया सलाइवा का काम, जो कि हमारा टंग माउथ से शुरू होता है, बकल कैविटी से। उसके बाद हमारा जो फूड है वो जाता है इसोफेगस, फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले मिलता है गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर में एक जूस रहता है जो हम बचपन से जानते हैं, उस जूस का नाम है बाइल जूस, जो कि बाइल डक्ट के द्वारा होता है। बाइल डक्ट में बाइल जूस रहता है, वो बाइल जूस जो है उसका काम, जो कि हमारा डाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर के बाद ये पास होता है लीवर में, उसके बाद लीवर से पास होता है स्टोमक में। स्टोमक में जो होता है वो होता है गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक का वॉल एक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। स्टोमक के अंदर दो चीज मेनली पाया जाता है, एक गैस्ट्रिक जूस और HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ये होता है गैस्ट्रिक जूस, वो होता है प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। इसके अंदर दो एंजाइम पाया जाता है, जो होता है पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन जो होता है हमारा, वो खाना पचाने का काम इस तरह आता है, तो वह HCl जो होता है HCl को कंट्रोल करता है म्यूकस, और HCl तुम्हारा एसिडिटी बढ़ता, HCl के कारण एसिडिटी बढ़ जाता है। सीधा सीधी माने तो पेप्सिन एक एंजाइम है और म्यूकस भी एक एंजाइम है। पेप्सिन का वर्क है हमारा HCl का प्रोडक्शन में, और म्यूकस का है कि उसको कंट्रोल करें, जो कि एसिडिटी से हमें बचाए। अब बात करते हैं उसके आगे, जो हमारा स्टोमक का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है पेनक्रियास का काम। पेनक्रियास एक पेनक्रिएटिक जूस निकालता है। उस पेनक्रिएटिक जूस का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि सिंपल सिर्फ एक काम करता है, वो करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। फैट्स को ब्रेक डाउन कहाँ किया जाता है, तो पेनक्रियास के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अब जानते हैं आगे, इसके आगे पास होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि वेली लाइक प्रोजेक्शन होता है। एक बात और बताना चाहूंगा कि वेली लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में पाया जाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है। क्या चीज एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन जो हमें मिला ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड अदर कंपोनेंट से, वो हमारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्लड वैस्कुलर में उसे मिलाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अलग अलग तरह का डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा ग्लूकोज में होता है, यानी कि ब्रेकडाउन जो होगा कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में होगा। उसी तरह प्रोटीन जो ब्रेकडाउन होगा वो अमीनो एसिड में होगा, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। ये काम हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का। अब बात करते हैं रेक्टम। रेक्टम उसी के आगे वाला भाग है, उसके बाद आता है एनस, जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन पूरे ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी के चेन में पहुंचता है। सबसे पहले माउथ, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से डायफ्राम, डायफ्राम से गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टोमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का तो वैसा कुछ खास यूज नहीं है अब हमारे जीवन में, पर फिर भी अपेंडिक्स का पहले जमाने के अर्ली ह्यूमंस में यह काम आता था भोजन को पचाने में। अब इसका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को पचाने का काम आता था, कच्चा मांस को, जो कि अब हम लोग नहीं खाते। तो इसी से हम ये समझते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सीधा बात, ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स सेल्यूलोज को पचाने में काम आता है, यानी कि घास उसको पचाने में अपेंडिक्स का यूज होता था। अब हमारे शरीर में इसका कोई यूज नहीं है।
अब हमारा यूज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम, रेक्टम से एनस, एनस वेस्ट प्रोडक्ट का कलेक्शन है जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है और एनर्जी हमारे शरीर में लिबरेटेड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से।